Hello student, so myself Narendra Kumar from Vidya Mandir classes. So this webinar series mein aap is lecture mein main discuss karunga electrochemistry. To aap log jante ho ki electrochemistry ke teen section hote hain. Ek section mein hum electrochemical cells ka discussion kar sakte hain, dusre section mein hum electrolytic cell ka discussion kar sakte hain aur teesre section ke andar hum conductivity cell ka discussion kar sakte hain. तो उससे पहले मैं जस्ट थोड़ा सा जो पास्ट एग्जाम्स हैं जेई मेन से रिलेटेड उनका एक छोटा सा एनालिसिस डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ. तो देखिए यहां पे 2002 से लेकर के 2020 तक के जो पेपर्स हैं उनका मैंने एनालिसिस किया है और ये चेक किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या वेटेज रहता है. तो आप देखेंगे कि हर साल जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही है. स्टार्टिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, 75 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आते थे 2002 में, फिर उसके बाद में 40 क्वेश्चंस हो गए और ऐसे ऐसे करते करते नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए और आज कल आप लोग जानते हो कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम हो गए, 25 क्वेश्चंस ही हो गए पर सब्जेक्ट. तो जनवरी 2020 में जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ था, एनटीए जो कंडक्ट करता है उसमें जो है ये बेसिकली तीन दिन तक एग्जाम चला था और हर दिन जो है दो शिफ्ट हो रही थी और हर शिफ्ट में आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चंस मिला, एक्सेप्ट 9 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चंस नहीं आया. तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. तो मैं जस्ट थोड़ा सा आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप जो जेई मेन्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. तो सबसे पहले जो है मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या होता है और किस टाइप का होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो कि किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारे सेल्स यूज करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं, ठीक है, तो ये इस टाइप का सेल है. तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बेसिकली दो हाफ सेल्स होंगे, एक हमारे पास में एनोड हाफ सेल होगा और दूसरा जो है वो कैथोड हाफ सेल होगा. एनोड हाफ सेल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो इलेक्ट्रोड है जिसकी पोलैरिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है. हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. और कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है. ये बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको पोलैरिटी का नॉलेज होना चाहिए. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड हो जाएगा. एक और जिसे सेल की मैंने बात की थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एनोड और कैथोड जो होते हैं उनकी पोलैरिटीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड और कैथोड की पोलैरिटी का रिवर्स होता है. तो इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड नेगेटिव पोलैरिटी का है, कैथोड पॉजिटिव पोलैरिटी का है. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो एनोड होगा वो पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा और कैथोड जो होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी का होगा. नाउ एनोड जो होता है वो एक ऐसा हाफ सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. किसी भी टाइप का सेल है उसके एनोड के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस होंगे. दो रिएक्शंस हो रही है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड के अंदर होगी और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो कैथोड हाफ सेल के अंदर होगी. और ये जो दो हाफ सेल्स होते हैं इनको नॉर्मली हम किसी एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनके इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं. एक इम्पॉर्टेंट हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेते हैं उसके डिस्कशन को, ठीक है, उसके थ्रू कुछ क्वेश्चंस वगैरह और कुछ थ्योरी हम डिस्कस करते हैं. गैल्वेनिक्स डैनियल सेल, डैनियल सेल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. फिजिक्स लैब में आप अक्सर इसको यूज करते हैं. ये जैसे वोल्टेइक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल है, ये सारे एक ही जैसे हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक जनरल टर्म है, ठीक है. वोल्टेइक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं. तो डैनियल सेल के अंदर बेसिकली इस डैनियल सेल का सेल नोटेशन अगर हम देखते हैं तो जिंक मेटल की एक रॉड होती है जो कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहती है और एक सॉल्ट ब्रिज होता है जो कि इसको कैथोड हाफ सेल से कनेक्ट करता है कॉपर सल्फेट
कैथोड हाफ सेल के अंदर आता है। तो ये सेल नोटेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म लिखी होती है उसको हम एनोड हाफ सेल कहते हैं, और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म मेंशन होती है उसको कैथोड हाफ सेल कहते हैं। तो एनोड और कैथोड हो जाते हैं, पोलैरिटीज इनकी जैसे मैंने आपको बताई दी है। और ये जो बीच में दो वर्टिकल पैरेलल लाइन जो है, ये जो है सॉल्ट ब्रिज का काम करती है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंपल सा हमने डेनियल सेल का डिस्क्रिप्शन देखा है यहाँ पे। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास में एक वेसल हो गया। इस वेसल के अंदर हम जिंक मेटल की ये एक रॉड ले लिया हमने, और इधर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। तो ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो गया। एक और वेसल ले लिया है, इस वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया है। और इसमें कॉपर मेटल की रॉड को हमने डिप कर दिया। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ये जिंक मेटल की रॉड है और ये कॉपर मेटल की रॉड है। इनको हमने एक एमीटर से कनेक्ट कर दिया सो दैट हमें पता लगेगा कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इन दोनों वेसल्स को हम एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, और इस ट्यूब के एंड्स पर हम कॉटन प्लग लगा देंगे सो दैट इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बाहर नहीं निकले। और इसके अंदर एक जिलेटिनस सब्सटेंस अगर अगर होता है उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन फिल करके डाल देते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि जो मेरे पास में एनोड है ये जिंक जो है वो एनोड का काम करेगा और ये कॉपर जो है वो कैथोड का काम करेगा। तो एनोड के सरफेस पे क्या होगा, ये जिंक का जो मेटल है, जिंक मेटल एनोड के सरफेस पे है, वो ऑक्सीडाइज होकर के Zn2+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो तो क्या होंगे कि एक्सटर्नल सर्किट में बाहर चले जाएंगे और जिंक आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे जिंक आयन अकेला सोल्यूशन में आएगा तो ये सोल्यूशन जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिंक के सरफेस पे जिंक आयन सोल्यूशन में आना चाह रहे हैं तो एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसको हम कहेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव करने का काम जो है ये सॉल्ट ब्रिज करता है। क्या करेगा, कैसे करेगा सॉल्ट ब्रिज इसको रिमूव? सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा कि जैसे Zn2+ यहां पे आएगा उसी मोमेंट, ठीक है, जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है वहां से क्लोराइड आयन रिलीज हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। एक जिंक आयन के साथ दो क्लोराइड आयन सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे तो हर मोमेंट ये जो सोल्यूशन है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अब ऐसे ही जो कैथोड है उस पे क्या होगा कि सोल्यूशन से कॉपर आयन कैथोड के सरफेस पे जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर मेटल की तरह। तो जब सोल्यूशन से कॉपर आयन बाहर चला गया है, मतलब कॉपर रॉड के सरफेस पे डिपॉजिट हो गया है, तो इस सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है वो यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को हाफ सेल में, कैथोड हाफ सेल में एंटर नहीं करने देगा। तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, ये जो रॉड है और सोल्यूशन है इनके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसको कहेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये सॉल्ट ब्रिज हमारा इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव करने का काम करता है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जैसे ही सोल्यूशन से कॉपर आयन बाहर जाएगा उसी मोमेंट यहाँ से पोटेशियम आयन अंदर आ जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है that remove liquid junction potential, और हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज जो है बेसिकली एक इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट करने का काम करता है। तो ये इस टाइप से हमारे पास में ये डेनियल सेल हो गया। अच्छा, अब देखिए कि कोई भी अगर हमारे पास में एक सेल गिवन है तो उस सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम डेनियल सेल को ही देख लेते हैं, तो डेनियल सेल का मैं वापस से रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ कि ये जिंक इन सॉलिड फॉर्म में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म में गिवन है, ये एक सेल नोटेशन होता है। तो सेल नोटेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो एनोड होता है और राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो कैथोड होता है।
ये जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो अब आपने, जैसे मैंने बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो एनोड होगा और राइट हैंड साइड में जो होगा वो कैथोड होगा। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, आप जस्ट यहाँ पे जो मटेरियल है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एनालाइज करो। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, इधर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, जीरो आ गई। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो गेन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इधर, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पर कॉपर आयन का रिडक्शन हो गया। तो समय के साथ अगर हम देखेंगे तो कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती हुई जाएगी। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक सेल रिएक्शन आ जाएगी। ये हमारे पास में हाफ सेल रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे एनोड हाफ सेल रिएक्शन। और ये है कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन एंड कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा कि ये जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन कुछ ऐसी ही हो रही है। तो ये Zn2+ बन जाएगा सॉल्यूशन के अंदर और कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। ये हमारी नेट सेल रिएक्शन हो गई। अब इस सेल रिएक्शन के लिए हम नर्नस्ट इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हो नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक रिविजन चल रहा है, पढ़ा तो है सब कुछ आपने। तो नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन होती है जो सेल के सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के साथ रिलेट करती है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी रिलेट करता है। तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास में एक सेल रिएक्शन है उसका एक क्यू होगा। क्यू जानते हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करते हैं, जिसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। तो इस रिएक्शन कोशेंट में गिवन रिएक्शन के लिए जो हमारे पास में ये क्या कहना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट विद रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए क्यू को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ जिंक आयन आएगा और ये कॉपर आयन आएगा, ये क्यू हो गया हमारे पास में। एन को अगर देखते हैं तो एन जो है बेसिकली वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अब ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सिंप्लीफाइड है, एक चीज ध्यान रखनी चाहिए आपको कि ये एक्चुअल जो होता है वो 2.303 RT by NF log Q होता है। इस Nernst equation को आप just एक half cell reaction के लिए भी apply कर सकते हैं और complete cell reaction के लिए भी apply कर सकते हैं, किसी के लिए भी apply किया जा सकता है, क्योंकि electrolyte standard potentials half cell का भी होगा और cell का भी standard potentials होगा, उसमें electrolytes की concentration भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये just highlight कराना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक temperature term भी involved है, R तो constant है, F फैराडेस कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है। तो ये जो हमने यहाँ पे टर्म यूज किया है कि ये 2.303 इनटू 8.314, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको यूज करते हैं, तो ये टेम्परेचर अपॉन 96500, इतनी सब चीजें तो कांस्टेंट होगी, लेकिन जब आप टेम्परेचर कि एक सर्टेन वैल्यू लेंगे तभी ये 0.0591 आएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको यूज करते हैं। तो जनरली ये ध्यान रखिएगा कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आप रखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट अप करना होगा, तब जाके इस फैक्टर की वैल्यू 0.0591 आएगी। तो एग्जाम में ध्यान रखना है क्वेश्चन में टेम्परेचर क्या दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग ये करना, वैसे घबराने की बात नहीं है,
क्वेश्चन के अंदर इस फैक्टर की वैल्यू देगा, क्योंकि अदरवाइज तो जस्ट एग्जामिनर हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा रहा है और कुछ नहीं करा रहा है। तो अब नन्स इक्वेशन हमने देख लिया है, और इस नन्स इक्वेशन को डेनियल सेल की जो सेल रिएक्शन है उसके लिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा एंड लॉग ऑफ क्यू। तो क्यू जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जो फॉर्म रिड्यूस होने जा रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हम ले लेंगे। तो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ई नॉट सेल है वो क्या होगा। ई नॉट सेल जो होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जो कैथोड है हमारे पास में उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लेंगे, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भाई, दो हाफ सेल का कुछ पोटेंशियल है तो पोटेंशियल्स का डिफरेंस हमें निकालना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स का डिफरेंस हमें निकालना है। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पे कैथोड का हमें लेना है, कैथोड हमारा कॉपर है, तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एज पर आईयूपीएसी कन्वेंशन हमें सबके स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ही लेने होते हैं। तो इनकी वैल्यूज यहां पे आ जाएगी, इनके पोटेंशियल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। जैसे मैं बता देता हूं, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है और जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.76 होता है, और ये वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये ई नॉट सेल आ गया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं। और जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर दे रखी है, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर दे रखी है, और ऐसे देख करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ई सेल हमारा क्या होगा। कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा सेल है वो वर्केबल है या नहीं है। तो देखिए, एक फॉर वर्केबल सेल जो ई सेल होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास में जब कोई स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगी तभी इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी। तो फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन जो डेल्टा जी होगा सेल रिएक्शन का वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर होता है। सो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी जिसको जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कौन सा वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो ये जो हमारे पास में फ्री एनर्जी में डिक्रीज आएगा डेल्टा जी आएगा, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। एन एफ हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा सभी टाइप का जो वर्क डन है वो प्रोडक्ट ऑफ सम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर सेल रिएक्शन में एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो एन मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो एन एफ होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फेराडेज कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एन एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ई जो है हमारा जो ई सेल है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास में फ्री एनर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई है। अब अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट जो होगा वो एन एफ ई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एक सेल को वर्केबल होने के लिए उसका जो ई सेल है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल अगर नेगेटिव आया हुआ है और आपसे कहा गया है कि इसको वर्केबल कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सेल के जो इलेक्ट्रोड्स है उनकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दीजिए। कहने का मतलब है कि ई सेल नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि हमने इलेक्ट्रोड्स का सिलेक्शन गलत किया है। जिसको एनोड लेना चाहिए था उसको कैथोड ले लिया है, और जिसको कैथोड लेना चाहिए उसको एनोड ले लिया है। तो पोलैरिटी को रिवर्स करने से ये सेल हमारा क्या हो जाएगा, वर्केबल सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें एक क्वेश्चन मिलता है कभी कभी कि भाई आप आइडेंटिफाई करिए गिवन हाफ सेल में से कौन सा एनोड की तरह काम करेगा और कौन सा कैथोड की तरह काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ सेल
हाफ सेल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है, ठीक है, वो कैथोड की तरह काम करता है, वो कैथोड की तरह काम करेगा. और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा, ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो एनोड की तरह काम करेगा. और ऐसे डिसाइड करके हम एक वर्केबल सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज रेंडमली किसी को भी एनोड ले लो, किसी को भी कैथोड ले लो और उसका जो है ई सेल डिटरमाइन करो. ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा सेल सही है, सही एनोड का सिलेक्शन हुआ है, सही कैथोड का सिलेक्शन हुआ. लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब एनोड कैथोड ठीक नहीं. तो बेटर है कि हम पहले से हमारे पास में जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन होती है तो उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं. तो देखिए डेनियल सेल के अंदर जैसे मैंने बताया था कि ये जो जिंक हाफ सेल है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है और कॉपर आयन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.34 वोल्ट है. तो क्लियरली नज़र आ रहा है कॉपर हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर है तो इसलिए इसको हम कैथोड की तरह यूज करेंगे और जिंक हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है तो इसलिए इसको हम एनोड की तरह यूज करेंगे. तो ये ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास में जो वेरियस टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका ई सेल कैसे डिटरमाइन किया जाता है. अब देखिए कि ये हमारे पास में एक और टाइप का जो है सेल होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल. कॉन्सेंट्रेशन सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा जिसके लिए ई नॉट सेल जो होता है वो जीरो होता है. बाय डेफिनेशन ई नॉट सेल जिसका जीरो होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे. तो जस्ट एग्जांपल की तरह अगर मैं लेता हूँ, सपोज ये मेरे पास में प्लेटिनम का सरफेस है और इस प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस हमने पास किया हुआ है P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और इसको H+ आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है. सॉल्ट ब्रिज है हमारे पास में, फिर H+ आयन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 मोल्स पर लीटर है और ये जो है वो हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में है जिसका प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर है और ये भी प्लेटिनम के सरफेस पे, प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड कर रहा है एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए. तो मैंने जैसे कहा था कि जो हमारे पास में सेल नोटेशन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होती है वो एनोड को इंडिकेट करती है और राइट हैंड साइड में जो टर्म होती है वो कैथोड को इंडिकेट करती है. तो ये इस टाइप से एनोड और कैथोड हमने आइडेंटिफाई कर लिए. अब एनोड और कैथोड में जो रिएक्शंस हो रही है उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो देखिए एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी. किसका किसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो ये तो जस्ट मैंने पहले भी आपको बताया था. तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. तो आप यहाँ से मूव करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या हुआ है, लॉस हुआ है. तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास में H2 का H+ आयन में ऑक्सीडेशन हुआ है. तो ये एनोड वाली रिएक्शन होगी, ठीक है. अब ऐसे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैथोड वाली रिएक्शन को. तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन रिएक्शन होगी, सी स्टैंड फॉर कैथोड. किसका किसमें रिडक्शन होगा, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि ये H+ आयन से H2 में कन्वर्जन हो रहा है. उनका रिडक्शन हो रहा है और H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वैसे तो देखो यहाँ पे सब चीजें लग रही है यार, कैंसिल ही हो जाएगा, पीछे तो कुछ रहेगा ही नहीं. यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेक कर रही है कि कॉन्सेंट्रेशन सेम है या नहीं है, तभी कैंसिल करेंगे. तो देखिए
एनोड वाली रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर पी वन है, ठीक है, और एनोड के अंदर जो एच प्लस आइन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन सी वन है, कैथोड में जो एच प्लस आइन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी टू है, और कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर पी टू है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ रिएक्शन हो रही है। जरूरी नहीं ओवरऑल इसके अंदर आपको कोई ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई रिडॉक्स चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन हाफ सेल रिएक्शन तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है कि सेल रिएक्शन जो होती है वो नॉन रिडॉक्स होती है, लेकिन हाफ सेल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो आप सेल रिएक्शन को अगर लिखते हैं तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन गैस कैथोड एनोड वाला है, ठीक है, वो कैथोड वाले जो एच प्लस आयन है उनके साथ रिएक्ट कर रहा है और एनोड वाला हाइड्रोजन आयन बन रहा है और कैथोड वाली हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये कौन सा है, एनोड का है, ये कौन सा है, कैथोड का है, ये कौन सा है, एनोड का है, और ये कौन सा है, कैथोड का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम नर्स इक्वेशन अगर अप्लाई करते हैं तो इसका हम ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। ई नॉट सेल तो बाय डेफिनेशन जीरो हो जाएगा, तो ये 0.0591/2 का एक्सचेंज हो रहा है लॉग एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन इन एनोड हाफ सेल टू द पावर 2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन कैथोड हाफ सेल, ठीक है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन कैथोड हाफ सेल अपॉन एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन in cathode half cell to the power 2 and pressure of hydrogen gas in anode half cell ye aa jayega, theek hai। e node cell iska zero kyun hai, dekhiye ye hamare paas mein jo hai ek hydrogen electrode hai, standard hydrogen electrode jante hai na, to yahan pe is standard hydrogen electrode ka jo hai hum kya le lete hain, reduction potential le lete hain, to h plus ion H2 जिसकी वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट, ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास में ये भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो ये भी 0.0 वोल्ट होता है, ठीक है, ये कैथोड के लिए, ये एनोड के लिए। या फिर आप ये देख सकते हो कि इसका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले सकता हूँ, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, तो वैल्यू में सिर्फ साइन बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब आप ई नॉट सेल निकालते हैं तो ई नॉट सेल के अंदर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जो हमारे पास में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये कैथोड वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है और ये एनोड वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, साइन वाइज दोनों अपोजिट होंगे, तो इसलिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, दोनों का सेम ही होगा इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसलिए ये ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब ई सेल डिसाइड करेगा कि ये सेल वर्केबल है या नॉन वर्केबल है, तो इसको हम जैसे -0.0591/2 log H plus ion concentration in anode half cell to the power 2 into pressure of hydrogen gas in cathode half cell H plus ion concentration in cathode half cell to the power 2 and pressure of hydrogen gas in anode half cell। अब दो टाइप के concentration cell हो जाते हैं, दो टाइप के कॉन्सेंट्रेशन सेल हो जाते हैं, तो पहला जो टाइप है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो पी वन इज इक्वल टू पी टू हो जाता है, तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि ये जो प्लेटिनम है इसके सरफेस पे जो हाइड्रोजन गैस है और जो H प्लस आयन है, फिर सॉल्ट ब्रिज आ गया, फिर H प्लस आयन आ गया, फिर हाइड्रोजन गैस हो गया और प्लेटिनम के सरफेस पे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर लेट से 1 एटमॉस्फेयर है, तो इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी,
तो अब आप इस टाइप के सेल का पोटेंशियल अगर निकालना चाहेंगे तो ये 0.0591/2 हो जाएगा लॉग सिर्फ क्या होगा प्रेशर की वैल्यूज तो इलिमिनेट हो जाएगी यहाँ पे 1 है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन इन एनोड हाफ सेल अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन इन कैथोड हाफ सेल ये आ जाएगा। अब सेल को वर्केबल होने के लिए इसको ई सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा वर्केबल सेल ई सेल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए तो ई सेल पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास में जो कैथोड हाफ सेल है उसमें एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एनोड हाफ सेल में एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। अब जो सेल रिएक्शन है उस सेल रिएक्शन को देखेंगे तो क्या हो जाएगी ये वापस से मैं दिखाता हूँ आपको ये सेल रिएक्शन तो अब हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगा और जो सेल रिएक्शन आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या आएगा सेल रिएक्शन आएगा एच प्लस आइन कैथोड गिव्स एच प्लस आइन एनोड तो एक टाइप से एच प्लस आइन का डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन कब होता है गैसेस का डिफ्यूजन होता है आइंस का भी डिफ्यूजन हो सकता है लेकिन डिफ्यूजन हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है तो एच प्लस आइन का डिफ्यूजन होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल में हाई एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन से लो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन। अब हाई एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन कैथोड साइड में होना चाहिए तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एक वर्केबल सेल के अंदर सेल रिएक्शन होगी। तो देखिए यही हमने कंक्लूजन निकाला ई सेल के लिए तो ये ऐसे हमारा एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो जाएगा। ना अब दूसरी जो कैटेगरी है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होगा C1 = C2 हो जाएगा C1 = C2 हो जाएगा मीन्स कि ये हमारे पास में प्लेटिनम है ठीक है हाइड्रोजन गैस जो है इसका कुछ प्रेशर है। अब इधर जो H प्लस आइन है अभी तो मैं सॉल्ट ब्रिज ले लेता हूँ इधर भी H प्लस आइन है और ये हाइड्रोजन गैस हो गया और प्लेटिनम का सरफेस हो गया तो अब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P1 है इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P2 है इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेट से 1 मोलर है इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेट से 1 मोलर है तो आप जो है साल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं है नहीं चाहिएगा साल्ट ब्रिज है ना क्योंकि जो एनोड हाफ सेल के अंदर एच प्लस आइन है और कैथोड हाफ सेल के अंदर जो एच प्लस आइन है वो तो सेम ही कॉन्सेंट्रेशन का है इसलिए दो अलग अलग वेसल में रखने की जरूरत नहीं है एक ही वेसल के अंदर हम H प्लस आइन को रख सकते हैं और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको डिप करके बना सकते हैं तो ये 1 मोलर का हो जाएगा कुछ भी हो सकती है वैल्यू 2 मोलर 3 मोलर 5 मोलर कुछ भी हो सकती है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में ये अपीयर नहीं होगा। तो अब इसमें आप सेल रिएक्शन को अगर देखेंगे तो क्या होगी तो वापस से जो जनरल रिएक्शन बनाई थी उस पर चलते हैं ये जनरल रिएक्शन तो अब क्या एलिमिनेट हो जाएगा अब कैथोड का H प्लस आइन और एनोड का H प्लस आइन एलिमिनेट हो जाएगा इस हाफ सेल रिएक्शन से तो फिर क्या रह जाएगा एनोड का H2 और कैथोड के H2 रह जाएगा तो एनोड साइड वाला जो H2 है वो कैथोड साइड वाले H2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये सेल रिएक्शन हो जाएगी सो H2 गैस इन एनोड हाफ सेल is converting to H2 gas or cathode half cell तो again एक टाइप से हाइड्रोजन गैस का डिफ्यूजन हो रहा है ठीक है तो डिफ्यूजन आप जानते हो कि कहाँ किस कंडीशन में होता है तो ये E सेल जो आएगा वो -0.0591/2 log जो मेन रिएक्शन है उस मेन इक्वेशन जो हमने बनाई अब इसमें ये H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन वाली जो टर्म है वो इलिमिनेट हो जाएगी तो ये सिर्फ प्रेशर वाली टर्म्स रहेंगी तो प्रेशर वाली टर्म में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन कैथोड हाफ सेल अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन एनोड हाफ सेल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन एनोड हाफ सेल
तो अब अगेन वही हमारी कंडीशन चेक करने वाली बात है। देखो बेटा यही सारे क्वेश्चन भी होंगे। वर्केबल सेल के लिए क्या होगा कि ई सेल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ई सेल को पॉजिटिव होने के लिए हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है एनोड हाफ सेल में वो ज़्यादा होना चाहिए, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है कैथोड हाफ सेल में वो कम होना चाहिए। तो ये डिफ्यूजन गैस का हो रहा है एक टाइप से सेल रिएक्शन के अंदर, तो डिफ्यूजन हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ होता है। तो ये इस टाइप से हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन सेल की एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हो गई है। ठीक है, ऐसी जैसे एक और एग्जांपल अगर आप लेते हैं कि भाई ये हमारे पास में एक सेल है जिसके अंदर हम ये मेटलिक सिल्वर की रॉड को, जो सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है सेचूरेटेड सोल्यूशन, उसमें डिप कर दिया है, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है, और ये सिल्वर ब्रोमाइड का सेचूरेटेड सोल्यूशन ले लिया है, और ये मेटलिक सिल्वर में कन्वर्टेड है कॉन्टेक्ट में से। तो अब इस नोटेशन के बेसिस पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एनोड है, राइट हैंड साइड में जो है वो कैथोड है। यहाँ पे सोचने की बात है कि सैचुरेटेड AgCl का मतलब क्या हो गया। सैचुरेटेड AgCl का मतलब हो गया कि जितना AgCl डिसॉल्व हो सकता है उतना ही AgCl है। तो हम इस सेल को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब है बेसिकली AgCl का सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा, Ag+ ही प्रोवाइड करेगा, और AgBr का सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा, Ag+ ही प्रोवाइड करेगा। तो चेक करिए क्या AgCl के सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी और AgBr के सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बराबर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि दो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली सेम तो होती नहीं है। ये हमारे पास में AgCl और AgBr स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसको अगर हम देखते हैं तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ C1 है, यहाँ पे सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कुछ C2 होगी। तो एक ही वेसल में आपको दो टाइप के सिल्वर आयन कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रखना पड़ेगा। वो जो एक H+ आयन वाला हमने एग्जांपल देखा था, उसमें तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अलग था, तो इसलिए H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर एक ही चाहिए, तो सॉल्ट ब्रिज को हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, वही जैसे मैंने बताया था, आप लेफ्ट टू राइट जो है चेक करो, तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे चेक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर हम चेक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ये इस टाइप से हम हाफ सेल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो एनोड कंपार्टमेंट में जो मेटलिक सिल्वर है वो ऑक्सीडाइज होकर के सिल्वर आयन बना रहा है। इसी टाइप से कैथोड की रिएक्शन को अगर हम देखेंगे, एनोड कंपार्टमेंट में जो सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन हमने लिख लिया है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्योर सॉलिड सिल्वर तो एक ही बात होगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अब ओवरऑल रिएक्शन जो बन रही है ये सिल्वर आयन कौन सा वाला है, कैथोड वाला सिल्वर आयन है, किसमें जा रहा है, ये एनोड वाले सिल्वर आयन में जा रहा है, कैथोड वाला सिल्वर आयन एनोड वाले सिल्वर आयन में जा रहा है। ये हमारी सेल रिएक्शन हो गई है। इस सेल रिएक्शन के लिए हम नर्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सेल रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो कि जीरो होता है, एक टाइप का ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया, चेक कर सकते हो, अभी समझा भी देता हूँ मैं वापस से, 0.0591/1 लॉग सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमें कौन सा यूज करना है, एनोड हाफ सेल में क्योंकि ये सेल रिएक्शन है, अपॉन सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन कैथोड हाफ सेल में। अब अलग अलग टर्म्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल में जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड जो है वो एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे इसका सिल्वर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा।
एनोड जो है वो भी एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे हमें इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा। तो देखो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही होगी, साइन वाइज अपोजिट होंगे, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा सीज के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अब हमें सिल्वर आयन और सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है एनोड हाफ सेल में एंड कैथोड हाफ सेल में। तो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन एनोड हाफ सेल में अगर हमें ढूंढना है तो हमारे पास में इसका सोर्स जो है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, जानते हो आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आयनिक इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम को भी रिवाइज करिए, रिडॉक्स रिएक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, तो रिडॉक्स रिएक्शन को भी रिवाइज करिए, इससे क्या है कि हाफ सेल रिएक्शन लिखने में आसानी होगी। तो ये हमारे पास में Ag+ का सॉल्यूशन होगा और क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन होगा, ऐसे ही होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है, तो Ag+ और Cl- हो जाएगा। सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर ही होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है एनोड हाफ सेल में, तो ये जो हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड का जो Ksp है इसका जस्ट रूट हो जाएगा, जितना Ag+ आएगा उतना ही Cl- भी आएगा ना, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है Ag+ इन कैथोड, तो कैथोड के अंदर Ag+ का सोर्स क्या है, यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr सिमिलर टू AgCl अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये भी ऐसे पार्शियली डिसॉल्व रहेगा, तो अब इसमें Ksp का कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे तो ये Ag+ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड ब्रोमाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, नहीं इक्वल है तो इसका मतलब पहले से कुछ ब्रोमाइड आयन होगा, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कितना है। तो यहाँ पे जो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ Ksp ऑफ Ag Br हो जाएगा, ये ऐसे। तो अब हमने दोनों हाफ सेल्स के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए, इनकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करके ई सेल की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो ये माइनस पॉइंट 0591/1 लॉग ऑफ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ था हमारा, ये रिलेशन आ गया कि एनोड वाला सिल्वर आयन अपॉन कैथोड वाला सिल्वर आयन। तो एनोड में जो सिल्वर आयन है वो AgCl से आ रहा है यहाँ पे, तो ये Ksp ऑफ AgCl का रूट एनोड हाफ सेल में सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड हाफ सेल में सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो कैथोड हाफ सेल में सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन ये ऐसे इस टाइप से आ जाएगा। तो Ksp की वैल्यू गिवन होगी, हम बता सकते हैं कि ये सेल वर्केबल होगा या नॉन वर्केबल होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है इसके लिए क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि जो सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है वो जीरो हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो सेल वर्क करना बंद कर देता है। तो किसी सेल रिएक्शन का अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास में प्लेटिनम की एक रॉड है और इसको हमने जो है ये
10-2 प्लस और 10-4 प्लस के सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको डाल दिया है और ये हमारे पास में फेरिक आयन और फेरस आयन का एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर ये प्लेटिनम की एक रॉड हमने डाली, प्लेटिनम इनर्ट होता है और एक सेल बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो पक्का हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो हमेशा कैथोड होगा, ठीक है। तो अब एनोड पे एज यू नो कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका किस में ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जो हमारे पास में 10-2 प्लस है वो 10-4 प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैंने कहा था कि लेफ्ट टू राइट मूव करके देखो, उसी के अंदर पता लग जाएगा। कैथोड पे जो है क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जो फेरिक है इसका फेरस में रिडक्शन हो जाता है, फेरिक का फेरस में रिडक्शन हो जाता है। तो ये हमने एनोड कैथोड की रिएक्शंस आइडेंटिफाई कर ली। जब आप एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो ये चेक कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये है SN2 प्लस प्लस 2 Fe3 प्लस गिव्स SN4 प्लस प्लस 2 Fe2 प्लस। अब हमें कहा गया है कि फाइंड दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन, अगर सेल इक्विलिब्रियम स्टेज अटेंड करता है तो अब ये E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू हो जाता है। ये तो जनरल नल्स इक्वेशन है ना, ठीक है। तो आप जनरल नल्स इक्वेशन हो गया, हम कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं कि हमें कहा गया है कि फाइंड दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन, सो यू नो वेरी वेल दैट एट इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो जीरो हो जाता है। तो फ्री एनर्जी चेंज जीरो होगा तो उसका जो ई सेल है वो जीरो हो जाएगा और जो क्यू है वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे। तो अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा, सेल रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है और ये के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में ट्वाइस ऑफ, मतलब इन जनरल अगर मैं ले लेता हूँ तो ये यहाँ पे n है, तो n टाइम्स ऑफ e नॉट सेल अपॉन 0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और e नॉट सेल की वैल्यू जो है गिवन होगी। इसके लिए e नॉट सेल अगर देखते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड हमारे पास में जो है वो फेरिक टू फेरस हाफ सेल है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड जो है हमारे पास में वो स्टेनिक टू स्टेनस हाफ सेल है। इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ये ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हमसे कह दिया जाता है कि जो हमारे पास में हाफ सेल है उसके अंदर पीएच से क्या रिलेटेड रिलेशन होगा। जैसे सपोज ये एक हाफ सेल दे रखा है, प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और एच प्लस आयन के साथ जो है रिलेटेड है। पीएच को ई सेल से ई नॉट सेल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो ये जैसा सेल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है एच प्लस के अंदर, मैं अब इसको हाफ ले लेता हूँ। वैसे देखिए आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों रिएक्शन का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों रिएक्शंस का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। थर्मोकेमिस्ट्री में या थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो ना कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो आप यहाँ पे आधा मोल H2 ले लो या एक मोल H2 ले लो, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो फ्री एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। तो ये रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन के लिए जैसे हाइड्रोजन गैस का
कुछ प्रेशर दे रखा होगा, तो हम नंस इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं. तो ये मैंने हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 1 log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस. प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ठीक है टू दी पावर 1/2. अब जनरली जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर गिवन होता है. कुछ और होगा तो सॉल्व कर लेंगे, पर जैसे मैंने बताया था कि एम जो है हमारा वो बेसिकली पीएच से रिलेट करना है, और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट है. आर्बिट्रेली अज्यूम्ड वैल्यू, कोई लॉजिक नहीं है. एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज करना होता है, तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया हुआ है. तो अब ये जो हमारे पास में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो पोटेंशियल जो हो गया इस हाफ सेल का इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन. अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में एक टर्म आ जाएगा, ठीक है, या इसको ऐसे देखते हैं कि ये मैंने क्या किया है कि जो मेरे पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको 0.0591 से इधर लेके आ गया लेफ्ट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड में जो टर्म रह जाएगी वो नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ही रह जाएगा. तो इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन हाफ सेल का जो पीएच होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन हाफ सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है अपॉन 0.0591 होता है. इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा हाफ सेल का, पीएच निकल जाएगा. या ये पूछ सकता है कि पीएच एक्स है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है. रिडक्शन पोटेंशियल भी पूछ सकता है. रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव हो जाएगा, और कुछ नहीं है. रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव हो जाएगा. तो ये इस साइड से इसके अंदर जो है आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. दूसरा ये देखो कि एक क्वेश्चन जो है आपको ऐसे इस टाइप से मिला करेगा कि ये हमारे पास में कॉपर का एक हाफ सेल है जिसका कुछ पोटेंशियल एक्स वोल्ट दे रखा है, एक और कॉपर का हाफ सेल है ठीक है उसका पोटेंशियल कुछ वाई वोल्ट दे रखा है, और ये हमारे पास में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और हाफ सेल हमने बना लिया, इसका पोटेंशियल बता दीजिए कितना है. इसका पोटेंशियल बता दीजिए कितना है. तो ये जो है एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, कॉपर मेटल कॉपर आयन. ये भी एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, कॉपर मेटल क्यू प्लस आयन. और ये एक रिडॉक्स हाफ सेल है. ठीक है, ये मेटल मेटल आयन. और ये भी मेटल मेटल आयन हो गया. जब एक सब्सटेंस तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है, जीरो तो होती है, उसके अलावा अगर उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट और है तो उस केस में उसका एक रिडॉक्स हाफ सेल बन सकता है. तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल मेटल आयन हाफ सेल. ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है. यू कैन नॉट ऐड पोटेंशियल, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट पोटेंशियल. अभी जो हमने किया है ई नॉट सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये सेल के लिए कर सकते हैं, हाफ सेल के लिए नहीं कर सकते. तो ये भी हाफ सेल वो भी हाफ सेल. तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि जो हाफ सेल गिवन है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लिखते जाइए. तो फर्स्ट वाला जो हाफ सेल है उसकी रिएक्शन ये होगी. अब इसका एक डेल्टा जी नॉट होगा, जानते हैं ना, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट. तो माइनस डेल्टा जी नॉट जो होगा वो एन एफ ई नॉट से रिलेटेड होता है. तो ये डेल्टा जी नॉट वन ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, एफ हो जाएगा, और ई नॉट इस रिएक्शन का हो गया जिसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ एक्स दे रखी है, तो ये एक्स लगा दी मैंने यहाँ पे. दूसरी रिएक्शन देखो,
जिसमें कहा गया है कि Cu plus 1 plus electron gives Cu zero state में. अब इसका भी कुछ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगा जिसकी वैल्यू भी ये एन एफ ई नॉट से रिलेटेड हो जाएगी. ठीक है, एन इसका वन हो जाएगा और ई नॉट इसका वाई दे रखा है. अब तीसरी रिएक्शन जो रिक्वायर्ड है जिसमें सी यू टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सी यू प्लस वन में चला जा रहा है, तो इसका भी कुछ डेल्टा जी नॉट होगा, वो डेल्टा जी नॉट थ्री हो जाएगा, वो भी ऐसे माइनस एन एफ ई नॉट से रिलेटेड होगा. एन की वैल्यू तो इसके लिए वन ही हो जाएगी. ठीक है, पोटेंशियल हमें नहीं पता है, उसको हमें कैलकुलेट करना, तो वो ई नॉट ले लिया. अब आप ये सोचिए कि हम इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू का क्या करें सो दैट इक्वेशन नंबर थ्री बन जाए. तो इसका मतलब है कि हमें क्यूप्रिक आयन तो रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो वन को तो एज इट इज रखेंगे, लेकिन क्यूप्रस आयन हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो प्रोडक्ट साइड में जब रिक्वायर्ड होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इक्वेशन नंबर वन माइनस इक्वेशन नंबर टू इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थ्री. ठीक है, तो ये इक्वेशन है, वन माइनस टू नहीं, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू इज इक्वल टू इक्वेशन थ्री. तो ऐसे ही हम कहेंगे कि डेल्टा जी नॉट वन माइनस डेल्टा जी नॉट टू इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट थ्री. डेल्टा जी नॉट वन की वैल्यू जानते हैं आप क्या है, माइनस टू एफ एक्स. डेल्टा जी नॉट टू की वैल्यू क्या है, माइनस वन एफ एन वाई. और डेल्टा जी नॉट थ्री क्या होगा, माइनस वन एफ. तो आप क्या करते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके वन एफ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ई नॉट आ जाएगा हमारे पास में. ठीक है, वैसे ये क्या हो चुका है, ये हो गया माइनस टू एफ एक्स हो गया, माइनस माइनस ये क्या बन गया, प्लस बन गया, वन एफ वाई हो गया, और ये माइनस वन एफ ई नॉट था. तो अब मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया है और वन एफ से डिवाइड किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा हमारे पास में टू एक्स माइनस वन वाई. एफ से वन एफ से हम इसको डिवाइड कर चुके हैं, तो ये हमारे पास में सिंपल सी आंसर आ जाएगा हमारे पास में टू एक्स माइनस वाई वोल्ट हमारा आंसर हो गया. तो ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से आता है. एक तो यही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, दूसरा जो एग्जांपल है वो ये वाला होता है कि हमें वैल्यूज दे रखी है. थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये वैल्यू जो गिवन है वो फेरिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, फेरस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है फेरिक टू फेरस का रिडक्शन पोटेंशियल. इसकी कुछ वैल्यू इज इक्वल टू एक्स गिवन है, इसकी कुछ वैल्यू इज इक्वल टू वाई गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होगी बता दीजिए. तो ऐसी रिएक्शंस लिखनी है और इसको सॉल्व करना है. तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है पार्ट है. इसके अंदर जैसे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी और लेड स्टोरेज सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास में लेड है लेड सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड लेड सल्फेट एंड लेड डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है कैथोड पर और फिर ये लेड हो जाता है. तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एनोड हो गया, राइट हैंड साइड में जो है वो कैथोड हो गया. ये जो लेड स्टोरेज सेल है वो एक सेकेंडरी सेल है जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उनको सेकेंडरी सेल कहते हैं और जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं उनको प्राइमरी सेल कहते हैं. तो लेड स्टोरेज सेल जो है वो एक रिचार्जेबल है तो सेकेंडरी सेल है. और ये जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है जब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है. ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, तो
तो एनोड पे जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेशन होगा, तो अब लेड का सल्फेट आयन की प्रेजेंस में लेड सल्फेट में ऑक्सीडेशन होगा। ये रिएक्शन याद रखेंगे आप। कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड का सल्फेट आयन की प्रेजेंस में और H+ आयन की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है लेड सल्फेट में, और साथ में वाटर भी बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो डिस्चार्जिंग के समय में होती है, जब सेल हमारा डिस्चार्ज होता है उस समय ये रिएक्शन होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्चार्जिंग के समय में कौन सी रिएक्शन हो रही है बताइए। तो इनको जब आप ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास में Pb प्लस PbO2 प्लस दो सल्फेट यहां पर है और चार H+ आयन यहां पर है, तो दो सल्फेट और चार H+ आयन को कंबाइन करके हम दो H2SO4 कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ सल्फेट एनोड पे यूज हो रहा है और सल्फेट और H+ आयन दोनों कैथोड पे यूज हो रहे हैं, अलग अलग भी आपको याद रखना है। और ओवरऑल जो है वो दो लेड सल्फेट बनेगा और दो H2O का फॉर्मेशन होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा, ठीक है, लेड कंज्यूम होगा एनोड पे, लेड डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा कैथोड पे, लेड सल्फेट विल गेट प्रोड्यूस एट बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड, वाटर इज प्रोड्यूस एट कैथोड, सल्फ्यूरिक एसिड का मास जो है डिक्रीज होगा जब डिस्चार्ज होने लगेगा ये सेल, वॉल्यूम प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन का वॉल्यूम सेम है लेकिन सोल्यूशन के अंदर जो H2SO4 है उसका मास कम हो गया, तो सोल्यूशन का मास भी कम हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है डिस्चार्जिंग के समय में डिक्रीज होने लगेगी, सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी डिस्चार्जिंग के समय में डिक्रीज होने लगेगी। ये सारे क्वेश्चन है, क्या होगा, लेड इज कंज्यूम्ड एट एनोड, लेड डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड एट कैथोड, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिक्रीज, लेड सल्फेट इज फॉर्म बोथ एट एनोड एज वेल एज कैथोड, वॉटर इज फॉर्म एट कैथोड, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब जब इसको रिचार्ज करेंगे तो क्या होगा, रिचार्जिंग के समय में ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जब हम बाहर से करंट पास करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो एनोड होता है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ये जो हमारे पास में लेड स्टोरेज सेल है, डिस्चार्जिंग के समय में इसका जो एनोड था और कैथोड था उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर से करंट पास करना होगा इसमें, और सेल रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सेल रिएक्शन क्या होगी, ये जो हमारे पास में 2PbSO4 है एग्जैक्टली, अब ये जो है ये कैथोड जो है वो अब एनोड बन गया है, तो लेड सल्फेट का वाटर की प्रेजेंस में लेड डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कैथोड बन गया तो लेड सल्फेट का लेड और सल्फेट में रिडक्शन हो जाएगा, तो ये सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, Pb फॉर्म होगा, PbO2 फॉर्म होगा और 2H2SO4 फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग होती है। तो क्या होगा, देखो, लेड सल्फेट इज कंज्यूम्ड एट कैथोड एज वेल एज एनोड, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे पास में प्रोसेस है। अब इस पूरी रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो दो फेराडे चार्ज कंज्यूम हो रहा है, दो मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, दो फेराडे चार्ज कंज्यूम हो रहा है। तो कोई आपसे ये भी कह सकता है कि आई एम्पीयर करंट इज ड्रॉन फॉर टी सेकंड थ्रू लेड स्टोरेज बैटरी, फाइंड द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम, तो दो फेराडे के लिए दो मोल खर्च हो रहे हैं, या कहा जा सकता है आई एम्पीयर करंट इज पास्ड फॉर टी सेकंड
फॉर रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल, फाइंड द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म. तो दो फेराडे का मतलब है दो मोल इलेक्ट्रॉन हो गए. तो दो मोल इलेक्ट्रॉन के लिए दो मोल H2SO4 फॉर्म हो रहा है, तो x मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मोल H2SO4 के फॉर्म होंगे. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू I इंटू टी होता है, जानते हो अच्छी तरीके से. तो ये लेड स्टोरेज बैटरी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आ जाता है. एक जैसे और होता है फ्यूल सेल होता है. तो फ्यूल सेल क्या करता है कि एक फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अब ये जो हम सेकेंडरी सेल यूज करते हैं इसके साथ एक ड्रॉबैक है कि कुछ समय बाद में ये डिस्चार्ज हो जाएंगे. सपोज हम कोई एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमें एक पावर सोर्स की ज़रूरत है और उस पावर सोर्स के लिए हमने एक सेल यूज़ कर लिया है, बट कुछ समय बाद में ये जो हमारा सेल है वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन हमारी एक्टिविटी तो चलनी है अभी लंबे समय के लिए, तो हम रिलाई नहीं कर सकते हैं इस सेल पे. तो हम क्या करते हैं कि एक फ्यूल सेल डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टेंटली फ्यूल को सप्लाई करते रहते हैं. तो जब तक फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी तब तक वो हमारा सेल वर्क करता रहता है. ये सिंपल सा प्रिंसिपल होता है. वहाँ पे भी फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. यही काम जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें भी होता है. वहाँ पे भी एक फ्यूल को बर्न करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो मैनी स्टेप प्रोसेस हो जाएगा. जैसे सपोज कोल हमारा फ्यूल का काम कर रहा है, तो कोल को बर्न करेंगे, बर्न करके हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट से हम स्टीम बनाएंगे, स्टीम से हम टर्बाइन रन करेंगे, ठीक है, टर्बाइन से फिर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी. तो इसका मतलब पहले हमने क्या किया कि हीट यूज किया, ठीक है, थर्मल एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी को फिर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. हर स्टेज पे कुछ एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा, तो कंप्लीट जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. एक फॉर्म एनर्जी को कम्प्लीटली दूसरी फॉर्म में 100% एफिशिएंसी के साथ ट्रांसफर नहीं कर पाते. तो जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, नियरली 40% के करीब होती है. अब यही काम फ्यूल सेल में अगर कराएंगे तो बीच के सारे स्टेप्स कट जाएंगे. डायरेक्टली फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. तो ऐसी एक जो हमारे पास में फ्यूल सेल का एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है, ये कंबशन रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन होती है. तो फ्यूल सेल के अंदर क्या है कि फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो ये हाईली एफिशिएंट फ्यूल सेल होते हैं, एफिशिएंसी इनकी बहुत ज्यादा होती है, नियरली 70-80% इनकी एफिशिएंसी होती है. तो इस टाइप से एक फ्यूल सेल की हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. बस उसमें जो सेल रिएक्शन है उसका एंथैल्पी चेंज और उसका जो हमारे पास में फ्री एनर्जी चेंज है उसकी वैल्यू होनी चाहिए. ये वैल्यू अगर हमें गिवन है तो हम इसकी एफिशिएंसी बता सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या होगा. तो जो एफिशिएंसी होती है किसी फ्यूल सेल की, ये उसका जो फ्री एनर्जी चेंज है और जो एंथैल्पी चेंज है इसका रेशियो होता है. फ्री एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज का रेशियो एफिशिएंसी होता है. फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है. सबसे पहले फ्यूल सेल का जो यूज़ है वो अपोलो स्पेसक्राफ्ट में यूज़ हुआ था. सबसे पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल सेल का यूज़ हुआ था. तो वहाँ पे दो एडवांटेज थे, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थे उनको पावर सप्लाई भी कर फ्यूल सेल से हो रहा था, और फ्यूल सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसका जो प्रोडक्ट है वो वाटर है. तो वाटर जो एस्ट्रोनॉट की जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसमें ऐड होता जाता था. तो ये सब चीज़ें जो है आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिवाइज करिएगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो अक्सर आता है. अब मैं आपको थोड़ा सा जो है बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो क्या होता है. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हो गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये लिक्विड वाटर है, इस लिक्विड वाटर के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कराते हैं.
इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब करंट पास करेंगे तब कोई रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो सिंपल सा, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास में एक वेसल है, उसके अंदर हम एक मेटल रॉड ले लेते हैं जो कि एनोड का काम करेगा, एक और मेटल रॉड ले ली हमने जो कि कैथोड का काम करेगा। ये बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर जस्ट सरफेस प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन को होने के लिए। और जिसका इलेक्ट्रोलिसिस हमें करना है उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास में जैसे कोई भी एक एम प्लस है और एक्स माइनस है, इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ये मोल्टन फॉर्म में हो सकता है या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकता है, सॉल्यूशन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे और इसको एक एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट कर देंगे जिसका कुछ पोटेंशियल होगा। एनोड जो है यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। कैथोड जो है यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी का होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। लेकिन अभी भी ये ध्यान रखना कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कैथोड पे कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, एनोड पे कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये जो हमने एनोड और कैथोड लिए हैं ये क्या है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की नेचर जो है वो इनर्ट हो सकती है, वो जस्ट सरफेस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, या वो रिएक्टिव हो सकता है। रिएक्टिव को एक और टर्म से यूज कर सकते हैं, अटैकेबल, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला। दूसरा जो हमारे पास में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये कौन सा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई NaCl है या NaNO3 है, क्या है। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे से बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट जनरली जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन ही होता है और प्लेटिनम एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो होगा क्या कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले प्रेफरेबली कैथोड पे रिड्यूस होगा, और जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो प्रेफरेबली पहले एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। अब ये मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जनरली क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास में क्या होता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है। अदरवाइज आपको पोटेंशियल्स लेने, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स नहीं लेने, क्या लेने हैं, पोटेंशियल्स लेने, सिर्फ पोटेंशियल्स लेने। तो हम देखते हैं इन जनरल कि कैथोड पर क्या हो सकता है, और हमने क्या लिया हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है। तो देखिए इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जनरली क्या होता है कि जो रिड्यूसेबल आयन होता है वो कैटायन होता है। तो हमारे पास में कौन कौन से कैटायन हो सकते हैं, अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास में जो है जनरली कॉमन सॉल्ट जो होते हैं वो कॉपर हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, ठीक है, वो गोल्ड हो सकता है, वो प्लेटिनम हो सकता है, ऐसे ये आयन हो सकते हैं। ये H प्लस आयन हो सकता है, या फिर हमारे पास में जो एल्कली मेटल आयन है सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, इस टाइप के हो सकते हैं, या फिर जो ट्रांजिशन मेटल आयन है जिंक है, टिन है, लेड है, ये ऐसे इस टाइप से हो सकता है। और साथ में जो वाटर है वो भी रिड्यूसेबल होता है। सो एनी स्पीसीज विच कैन बी रिड्यूस्ड विल गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड।
तो ये इतनी सारी स्पीसीज हमने देख ली है। अब इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो प्रेफरेबली कैथोड पर रिड्यूस होगा। तो देखिए ये जो हमारे पास में है एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा रिड्यूस होगा, ऑलवेज बी रिड्यूस्ड। इनको हम कह सकते हैं चाप मेटालाइन, फर्स्ट सी फॉर कॉपर, एच फॉर मर्क्यूरी, फर्स्ट ए फॉर सिल्वर, सेकंड ए फॉर गोल्ड एंड पी फॉर प्लेटिनम। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट का आप इलेक्ट्रोलिसिस अगर कर रहे हैं देन चाप मेटालाइन विल ऑलवेज बी डिपॉजिटेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, चाप मेटालाइन विल ऑलवेज बी डिपॉजिटेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। ये जो हमारे पास में एल्कली मेटालाइन है और एल्कलाइन अर्थ मेटालाइन है विल नेवर बी डिपॉजिटेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। Never be deposited from aqueous solution, never be reduced from aqueous solution. इनके बदले में हमेशा water का reduction होगा, H plus ion है तो उनका reduction होगा। और ये जो है इसमें दोनों ही काम होते हैं, may और may not। इसके लिए डेटा की जरूरत पड़ी। तो ये हमने देख लिया है कि कैथोड पे जो है वो क्या हो सकता है। अब ऐसी अगर हम देखते हैं कि एनोड पे क्या हो सकता है, एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होगा। तो कोई भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस अगर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, oxidizable substance will get oxidized, लेकिन वो easily oxidize होगा जिसका oxidation potential higher है, unit concentration अगर है तो standard oxidation potential को ले लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे generally अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में जो आयन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर oxidizable वो anion होता है। तो ये एनायन जो है वो आयोडाइड हो सकता है, वो क्लोराइड हो सकता है, वो ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड नहीं है तो वाटर हो सकता है। हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीडाइजेबल स्पीसीज जो है वो ऑक्सीजन है। या फिर ये जो है वो फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, ऐसे इस टाइप से कई सारी स्पीसीज होती है। तो आप एक्वस सॉल्यूशन से अगर किसी का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑलवेज बी ऑक्सीडाइज, और ये वाले जो है जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, not oxidized from aqueous solution under normal conditions, मतलब low charge density अगर pass कर रहे हैं तब तो इनका बिल्कुल भी oxidation नहीं होगा। normal condition का मतलब है कि low charge density इनके बदले में हमेशा वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन अगर है तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में ये सोडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन है, सोडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो पानी भी है उसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग प्लेटिनम एज इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम हमारा एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो प्रोडक्ट क्या होंगे ये आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ये चेक करना बेटा कि कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा या फिर सोडियम आयन का रिडक्शन होगा, कैथोड पे इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा। एनोड पर ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन,
तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि अगर आपके पास में सोडियम आयन है सोल्यूशन के अंदर, तो सोडियम आयन विल नेवर बी डिपॉजिटेड, सोडियम आयन विल नेवर बी रिड्यूस्ड, ठीक है। डिपॉजिटेड का मतलब यहाँ पे मेरा वही है कि इसका रिडक्शन हमें कंसिडर करना है। इसके बदले में वाटर का रिडक्शन होगा, और अगर आपके पास में ब्रोमाइड आयन है और वाटर अगर है, तो वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। तो हम कहेंगे कि यहां पे ये नहीं जाएगा और यहां पे ये नहीं जाएगा, तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, वाटर का रिडक्शन करना है। तो वाटर के अंदर रिडक्शन किसका होगा, एच प्लस आयन का रिडक्शन होगा। तो ये हमने यहाँ पे दो मोल वाटर के ले लिए, इससे दो एच प्लस आयन निकले, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो एच टू में कन्वर्ट हो गया और साथ में दो ओ एच माइनस फ्री हो गए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ब्रोमाइड आयन एनोड पे गया और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ब्रोमीन लिक्विड बन गया, ब्रोमीन लिक्विड फेज में होता है। तो अब इसके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अगर देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई है कि NaBr का जो सोल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है कैथोड पर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है कैथोड पर, और ब्रोमीन लिक्विड जो है वो बनता है एनोड पर, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या रह जाता है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर जो है वो Na प्लस रह जाएगा एक तो यहाँ वाला, और इस वाटर का जब रिडक्शन हुआ है कैथोड पर तो वहां से OH माइनस बने हैं, तो NaOH प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया हमने ऐसे, और इस पूरी रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो दो फेराडे चार्ज का एक्सचेंज, दो मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, दो मोल इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के लिए दो मोल वाटर कंज्यूम हुआ है, दो मोल ब्रोमाइड आयन कंज्यूम हुआ है, एक मोल एच टू प्रोड्यूस हुआ है, एक मोल बी आर टू प्रोड्यूस हुआ है, दो मोल ओएच माइनस प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये सारे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इसमें चीज ध्यान रखना कि जो हमारे पास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स जो है, जैसे वाटर का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये माइनस 1.23 वोल्ट होता है। वाटर का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये माइनस 1.23 वोल्ट होता है, और क्लोराइड का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये माइनस 1.36 वोल्ट होता है। तो मैंने कहा था ना कि वो काम आसानी से होगा जिसका पोटेंशियल हायर होगा, तो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन जब आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे तो साफ नजर आ रहा है H2 गैस का फॉर्मेशन होगा, और ये जो डेटा दे रखे हैं इन डेटा के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास में O2 बनना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब हम कराते हैं तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस ही बनता है बट एनोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाता है, एनोड पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये वाटर का रिडक्शन हो गया और वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया, ऊपर वाली रिएक्शन ओवरऑल ऐसे रिएक्शन होगी, बैलेंस है ना, नीचे वाली रिएक्शन भी ऐसे बैलेंस होगी। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है वो बेसिकली थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड है और ये एक्चुअल, ठीक है, ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट, और ये एक्सपेक्टेड, थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो वाटर इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहिए एनोड पर, लेकिन नहीं होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो जाता है। अब ये क्यों हो गया, क्यों यहां पे क्लोरीन निकल आया, ऑक्सीजन क्यों नहीं निकला, तो ये जो है बिकॉज ऑफ ओवर
पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल फॉर because of over potential for formation of O2. क्या बात है यहाँ पे कि थर्मोडाइनमिक्स ये कहती है कि वाटर ऑक्सीजन में क्लोराइड आयन के रिस्पेक्ट में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है थर्मोडाइनमिकली इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है कंपेयर टू क्लोराइड आयन. बट काइनेटिक्स ये कहती है कि ये काम हो तो जाएगा लेकिन बहुत समय लगेगा. जैसे थर्मोडाइनमिक्स ये भी कहती है कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है. किसी ने कन्वर्ट होते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के लिए. तो इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली फिजिबल बट नॉट काइनेटिकली. तो उसी टाइप से वाटर का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन थर्मोडाइनमिकली फिजिबल है बट काइनेटिकली फिजिबल नहीं है. तो हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस कराना स्टार्ट किया तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे बननी चाहिए थी, नहीं बन पा रही. तो हमें लग रहा है कि हमारी जो बैटरी है, जो पावर सोर्स है इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए जो हमने यूज किया, वो थोड़ा वीक है. तो हम उसको और एक्स्ट्रा करंट पास करते हैं. तो ऐसे करते 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 जो एक्सटर्नल सोर्स है उसका पोटेंशियल हो गया 1.36 वोल्ट. जबकि इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड था वो 1.23 वोल्ट रिक्वायर्ड था. इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था लेकिन रिएक्शन नहीं हुई. हमने बढ़ाते बढ़ाते 1.36 वोल्ट तक ले गए. इससे ज़्यादा कर दिया तो क्लोराइड आयन थर्मोडाइनमिकली ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा था लेकिन काइनेटिकली बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. अगर मौका मिल जाएगा इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी दे दी तो बिल्कुल स्विफ्टली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. वाटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके ऑक्सीडेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा भी दे देते हो तो भी ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है क्योंकि काइनेटिकली बहुत स्लोली रिएक्शन होती है. तो क्या होता है कि गैसेस जब प्रोड्यूस होती है किसी मेटल के सरफेस पे तो उनके फॉर्मेशन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो ये इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो बहुत कम होगा. तो इनको एक रिक्वायर्ड रेट से प्रोड्यूस करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं. वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाइड है दैट इज कॉल्ड एज ओवर पोटेंशियल. तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के बजाय क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. ये ऐसे इस टाइप से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको आप ध्यान रख सकते हो. अब इसमें न्यूमेरिकल अगर आपको करना होता है तो जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो आप यूज कर सकते हो. ई इंटू आई इंटू टी बाय 96500. तो ये जो हमारे पास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो जानते हो ना क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डिसॉल्वड और लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड. मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डिसॉल्वड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड. इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस क्यू जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज है. क्यू जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है. तो ये ऐसे जो है आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कर सकते हैं. आई एम्पियर करंट इज पास फॉर टी सेकेंड. तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा? तो यू नो दैट क्यू जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है. इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फैराडेज. और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया. तो अब रिएक्शंस को रिलेट कर सकते हैं. जैसे ये क्वेश्चन हमने किया, इस रिएक्शन को चेक करो. देखो ये रिएक्शन बैलेंस है ना, ये एक NaCl एक H2O है. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हाफ H2 में, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे एक NOH के अंदर है. एक Cl है तो ये हाफ Cl2 का मतलब एक Cl हो गया. तो इस रिएक्शन के अंदर अगर देखेंगे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है. हाफ H2 का मतलब एक H, एक H का मतलब एक H प्लस आइन, एक H प्लस आइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन. हाफ Cl2 का मतलब एक Cl, एक Cl का मतलब एक Cl माइनस, एक Cl माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो अब
वन मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल एच टू बन रहा है, हाफ मोल सी एल टू बन रहा है, वन मोल ओ एच माइनस बन रहा है, तो एक्स मोल इलेक्ट्रॉन से कितना होगा? अगर कह देता है आई एम्पियर करंट इज पास फॉर टी सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एच माइनस फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ये सिंपल सा रिलेशन अप्लाई करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट लास्ट में मैं और बताना चाहता हूँ, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होती है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें क्या होगा कि जिस जो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी जो होता है वेरियस आयंस की, जो है एच प्लस आयन की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक यूनिक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू एच प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर करंट कंडक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथस मैकेनिज्म। इसके बाद में जो है वो ओ एच माइनस का नंबर आएगा और इसके बाद में जो है वो हमारे पास में अदर आयंस आएंगे। ये जो कंडक्टिविटी है आयंस की, जो कंडक्टिविटी है आयोनिक कंडक्टिविटी जिसको मैं कहूंगा, ये आयंस की साइज पे भी डिपेंड करती है। जो आयन साइज में बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। देखो कि ये जो हमारे पास में लिथियम है गैस फेज में और सोडियम है गैस फेज में, तो इनकी साइज का ऑर्डर अगर हम देखेंगे, आयोनिक साइज का ऑर्डर तो ये है, लेकिन पानी में अगर इनको छोड़ देते हैं तो ये वाटर से सराउंडेड रहते हैं, तो छोटे साइज के लिथियम आयन के अराउंड बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जब हो जाएंगे तो जो एक्वस लिथियम आयन है बहुत हैवी हो जाएगा, तो बहुत हैवी हो जाएगा तो इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास में हम ये कहेंगे कि आयोनिक कंडक्टिविटी जो है अदर आयंस के लिए, नॉट एच प्लस आयन एंड ओ एच आयन, किसके लिए, अदर आयंस के लिए, इज inversely proportional to ionic size in solution, not in gas phase. तो जिसका ionic size छोटा होगा उसकी ionic conductivity ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ionic conductivity का जो order है सोडियम आयन साइज में छोटा है तो इसकी आयनिक कंडक्टिविटी एक्वस फेज में ज्यादा है, और लिथियम आयन साइज में बड़ा है एक्वस फेज में, बताया था ना हाइड्रेशन, जानते हो तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, हाइड्रेटेड एक्वस आयन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरे पास में छोटे साइज का जो लिथियम है, जैसे ये लिथियम का साइज है ना, इस लिथियम के अराउंड, लिथियम प्लस वन के अराउंड बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आकर के लग जाएंगे, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो गए ऐसे, और इसके पास में साइज छोटा होने की वजह से इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी है कि कुछ और वाटर मॉलिक्यूल आकर के यहां से थोड़े दूर से ही अट्रैक्ट होने लगेंगे। चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कुछ और वाटर मॉलिक्यूल भी कहेंगे यार मैं भी जो है इस लिथियम आयन का पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये सारे ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, ये जो है मेरा वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंबल, समझ रहे ना, वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये इसका इतना बड़ा साइज हो जाएगा ये पूरा, जबकि सोडियम आयन का साइज बड़ा है तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कम है, मतलब वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर लार्जर वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी कम हो गई ना तो कम ही वाटर मॉलिक्यूल इसके अराउंड अटैच हो पाएंगे, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके अराउंड अटैच नहीं हो पाएंगे। तो अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास में कोई कलर्ड सॉल्यूशन है उसके अंदर एंड पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो जो नॉर्मल इंडिकेटर है उनको यूज करके तो नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर को यूज करके नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, सॉल्यूशन का अपना कलर है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे HCl वर्सेस NaOH की टाइट्रेशन कर रहे हैं,
जबकि यहाँ पे नॉर्मल इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं, बट समझने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है। तो एंड पॉइंट हम डिटरमाइन कर रहे हैं बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट कंडक्टिविटी। तो बीकर के अंदर मैंने HCl ले लिया है और ब्यूरेट से हम NaOH को रन कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो बीकर में है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसलिए तोड़ के रख देंगे। ब्यूरेट से जिसको भी रन कर रहे हैं उसको बिल्कुल ऐसे छुपा के ही रखना है क्योंकि वो तो अंदर जाएगा और खर्च हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, NaCl, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जो है सॉल्यूशन के अंदर आयंस के अंदर क्या चेंज आया। सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं देखूंगा तो H+ आयन के बदले में Na+ आ गया है। तो ये एक हाई कंडक्टिविटी आयन लो कंडक्टिविटी आयन से रिप्लेस हो गया। तो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब वो स्टेज आ गई है कि जब बिल्कुल आखिरी H+ आयन रह गया है सॉल्यूशन के अंदर, बाकी सारे न्यूट्रलाइज हो गए OH- डालते डालते डालते। जैसी आखिरी H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक ड्रॉप NaOH की डालेंगे, खूब सारे OH- आ जाएंगे, आखिरी H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सरप्लस OH- सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। तो सरप्लस OH- जो आ गए हैं वो हाई कंडक्टिंग आयन है आफ्टर H+ आयन। तो अब जब आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर हम एक कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है, किस किस के बीच में कर्व प्लॉट करना है, हमें एंड पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, हमें एंड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने कर्व प्लॉट किया है वॉल्यूम ऑफ NaOH वर्सेस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियली मेरे पास में सॉल्यूशन में HCl ही होगा तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे मैं डालूंगा ये कंडक्टिविटी कम होती जाएगी क्योंकि मेरे हाई कंडक्टिंग आयन डिसअपियर हो रहे हैं, H+ आयन जा रहा है, तो शार्प डिक्रीज इन कंडक्टिविटी है, Na+ बिल्कुल लो कंडक्टिविटी वाला। और जैसे सारे H+ आयन खत्म हो चुके होंगे उसके बाद में OH- आ जाएंगे और जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ NaOH बढ़ाते जाएंगे कंडक्टिविटी OH- की वजह से होगी और कंडक्टिविटी फिर क्या हो जाएगी, सूट कर जाएगी। तो ये ऐसे जो है हमारे पास में एक कर्व आ जाएगा और जहां पे भी ये शार्प चेंज आ रहा है वो एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। तो देखो ये कर्व जो है वो HCl की वजह से और ये कर्व जो है वो NaOH की वजह से और ये यहाँ पे इस सॉल्यूशन पे इस वॉल्यूम पे एंड पॉइंट आ रहा है टाइट्रेशन का। एक एग्जांपल और बताता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करो कि यहां पे क्या हो रहा है। बस हमें ऑब्जर्व करना है कि रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में कौन सा आयन रिप्लेस हो रहा है किस आयन से। तो अब यहां पे जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं उसके अंदर हम एक वीक एसिड को ले लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया। ये ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग वर्सेज स्ट्रॉन्ग जो कर्व होगा वो वी शेप का होगा, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री होनी है तुम्हारी जेई मेंस एग्जाम में। स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग वी शेप कर्व होगा। अब ये वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो वही आइडिया है हमारे पास में कि हमने क्या किया है कि बीकर के अंदर इस एसिटिक एसिड को रख दिया है और ब्यूरेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड को रन कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो जैसे मैंने कहा था कि हम रिएक्शन लिखेंगे, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, जानते हो आप लोग वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएटेड रहता है तो बहुत कम H+ आयन होंगे, छोड़ देते हैं। अब ब्यूरेट से NaOH को डाल रहे हैं, उसको तो ऐसे ही रखो, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह रहेगा ये, भूल जाओ उसको, लास्ट में देखना। अब रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट में एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब क्या चेंज हो गया है, भाई ये जो है इसके अंदर तो आयंस बहुत कम है,
और इसके अंदर जो है आयन ज़्यादा है, तो रिलेटिवली थोड़ी सी जो है हाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, मोर कंडक्टिविटी कह सकते हैं, रिलेटिवली मैं यहाँ पे हाई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में एसिटिक एसिड है उसके रिस्पेक्ट में तो कंडक्टिविटी हाई होगी, बट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी जैसे HCl टाइप का होगा, क्योंकि H प्लस आयन तो है ही नहीं। अरे एसिटिक एसिड के H प्लस आयन बहुत कम होते हैं यार, वन मोलर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन ले लेंगे तो उसमें H प्लस आयन वन मोलर भी नहीं होगा, बहुत कम होगा, वीक एसिड का pH निकालते हैं ना, तो उस टाइप से। तो अब कर्व प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो पहले हमारे पास में बीकर के अंदर एसिटिक एसिड था, उसमें हमने कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लगा दिया, कंडक्टिविटी की रीडिंग दे रहा है हमें, तो हमने देखा यार बहुत कम कंडक्टिविटी है, तो कुछ होगी बहुत कम, ये यहाँ पे है। अब जैसे ही एक ड्रॉप NaOH की डाली, सॉल्ट बन गया, थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ी, और NaOH डाला और सॉल्ट बन गया, और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, और बढ़ते 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 ये ऐसे आ जाएगा, बहुत कम चेंज आएगा, कि सोडियम आयन की कंडक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एसिटेट आयन की भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ होती है लेकिन H प्लस आयन टाइप्स नहीं होती, ठीक है। अब वो स्टेज आ गई है जब बिल्कुल एक लास्ट पार्टिकल एसिटिक एसिड का रह गया है, अकेला इकलौता, बिल्कुल सब बाकी सारे न्यूट्रलाइज हो गए। अब ये जो लास्ट पार्टिकल है एसिटिक एसिड का, एक OH माइनस गया, एक ड्रॉप OH माइनस की गई, लास्ट पार्टिकल को किसी एक OH माइनस ने न्यूट्रलाइज कर लिया और बाकी के OH माइनस एक्सेस में अनयूज्ड की तरह फैले हुए हैं वहाँ पे, तो OH माइनस यू नो दैट आफ्टर H प्लस आयन एक हाई कंडक्टिंग आयन होता है। H प्लस आयन और OH माइनस की जो कंडक्टिविटी है वो अमंग ऑल आयन सबसे ज़्यादा होती है, H प्लस आयन सबसे ज़्यादा, उसके बाद में OH माइनस, तो ये तो बिल्कुल जंप बिग यहाँ पे चेंज आएगा, शार्प इंक्रीज होगा। तो देखो बेटा ये जो हमारे पास में कर्व है, ठीक है, वो जो एसिटिक एसिड है उसकी वजह से, और ये जो कर्व है वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की वजह से, और जहाँ पे भी ये शार्प चेंज आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। तो ये ऐसे इस टाइप से जो है हम कंडक्टिविटी टाइट्रेशन को यूज कर सकते हैं किसी का एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, तो मोस्टली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई कलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन मैंने ये एग्जांपल्स लिए जो जिनके लिए अदर इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं। तो ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कुछ की पॉइंट्स ही मैं रिवाइज कर पाया, पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाता है क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने के लिए अराउंड 18 to 20 आवर्स की टीचिंग होती है, तो इसीलिए ये जब सब चीज़ें आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, सो दैट आप रिवाइज कर पाएँ और अपने JEE मेंस एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम JEE मेंस एज वेल एज JEE एडवांस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वेबिनार।